हेलो दोस्तों, मिष्टी फूड में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमने बनाया आंवले का मुरब्बा, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखिए हमने कैसे बनाया आंवले का मुरब्बा। इसके लिए हम आधा किलो हमने आंवला लिया है। इसको हम पानी में नहीं बॉयल करेंगे, इसको हम भाप से बॉयल करेंगे। हमने पानी बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है। इसके ऊपर हम एक जाली रखेंगे और इसके ऊपर हम अपने सारे आंवले हमने रख दिया। इस तरह से रख करके आपको भाप से इसको पकाना है। हम इसको ढक देंगे। देखिए हमने ढक दिया है और 10 मिनट बाद ये आप देख लीजिए, देखिए कलर एकदम चेंज हो गया है। आंवला भाप से एकदम पक गया है। इसको किसी कांटे से आप ऐसे करके या चाकू से आप देख सकते हैं। देखिए आंवला एकदम पक गया है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। इसको ठंडा करने के बाद ही आपको देखिए एकदम ये पक गया है। और ठंडा करने के बाद किसी कांटे से आपके पास जो भी कुछ हो उससे आप इसको ऐसे ऐसे छेद कर लीजिए, पूरा अच्छे से गोद दीजिए कि जैसे चाशनी जब हम डालें पके तो उसमें अच्छे से एकदम अंदर तक इसकी चाशनी चली जाए। अब इसने हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, हमने आंवले को इसमें डाल दिया। अब हमने 150 ग्राम इसमें चीनी डाली है। इसको पकाने के लिए आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसमें, बस छिट्टा दे करके एक बार आप पहली बार आप छिट्टा डालिए और इसको ढक दीजिए। और जिसे आप बस ये आपको ध्यान देना है कि चीनी जले ना। अब बीच बीच में एक बार देखते रहिए और चलाते रहिए कि चीनी हमारी मेल्ट हो रही है कि नहीं। अगर नहीं मेल्ट हो रही है तो हमने देखिए 1 चम्मच चीनी इसमें फिर डाला, हल्का फुल्का चलाया और हमको लगा कि चीनी की पानी की और ज़रूरत है इसमें, तो हमने सिर्फ 1 चम्मच इसमें पानी डाला है। और इसको चला करके आप इसको ढक दीजिए। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि हमारी चीनी देखिए मेल्ट होने लगी है। इस तरह से आप आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं और पूरे साल इस तरह से बना करके आप रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट होने लगी है और इसको आप चलाते जाइए, मीडियम फ्लेम पर आप पकाते जाइए इसको। देखिए चीनी पकने लगी एकदम अच्छे से, बिल्कुल हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला है। आपने देखा बस शुरू में 1 छिट्टा मारे थे हम और उसके बाद 1 चम्मच हमने पानी डाला है। इस तरह से मुरब्बा बनाने पर बिल्कुल ख़राब नहीं होता है मुरब्बा। अब पूरे साल आप इस मुरब्बा को बना करके रख सकते हैं। देखिए कलर एकदम चेंज हो गया, हमारा आंवले का मुरब्बा बन करके तैयार हो गया। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक होता है, आप तो जानते ही हैं, आँखों के लिए और विटामिन सी से भरपूर। इस तरह से आप बना करके एकदम गुलाब जामुन की तरह कलर देखे आ गया है। अगर आपको पसंद हो तो आंवले के मुरब्बे में काली मिर्च पाउडर और इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने तो नहीं डाला है लेकिन आपको टेस्ट पसंद हो तो आप ज़रूर डालिए। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।